कांग्रेस के संकल्प की तरह कभी झूठ नहीं बोलते। 2,10,000 दिन में माफ कर देंगे, आज तक नहीं किया, एक का भी नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा दिया, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और अब जो है विधानसभा बार संकल्प निकाल रहे हैं। उसके बाद में जब बाढ़ चुनाव होंगे तो बाढ़ के संकल्प होंगे और फिर घरों तक आएंगे। ये माने कहाँ तक झूठ बोलेंगे, ये इसकी सीमा नहीं है, इन्होंने सीमा ही निर्धारित नहीं की है इसकी, कि घरों तक झूठ बोलते हुए जाएंगे। संकल्प निकालने के पहले जवाब दें। अभी संकल्प में फिर लिख दिया है कि हम आएंगे दोबारा तो फिर कर्जा माफ़ करेंगे। ये क्यों नहीं लिखा कि तब क्यों नहीं किया था, और तब कर दिया था तो अब क्यों कह रहे हो कि करेंगे? छोटी सी बात है, और फिर आ जाएंगे सरकार में तो कह देंगे खजाना खाली है, रटी रटाई बात होगी इनकी। ये उद्योगपति है और कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से इन्होंने 15 महीने प्रदेश को चलाया है। अब 15 महीने में इन्हें क्या किया है ये बोल के जाए ना जनता के बीच में, तब तो लगता है कि हाँ भाई कांग्रेस के नेता हैं, ये अपने 15 महीने के काम को लेके जा रहे हैं। हमारी आलोचना करो जाके, हमारी बुराई करो, हम कैसे हैं ये हम 15 साल शासन के बाद भी जनता को बता चुके हैं, और कांग्रेस से ज़्यादा वोट आए हमारे 15 साल सरकार के बाद में। एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, तुम तो 15 महीने नहीं संभाल पाए अपनी सरकार, खुद के बोझ से ही भरभरा के गिर पड़े। अरे आप अपना काम बताओ और जनता के बीच जाओ।